गुड आफ्टरनून थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, आज हम जीके की क्लास में चैप्टर 6 करेंगे इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब होता है पर्यावरण के अनुकूल। हमें हमेशा कैसा रहना चाहिए? पर्यावरण के अनुकूल रहना चाहिए। हेयर आर सम थिंग्स गिवन, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दे रखी हैं। पुट एंड टिक राइट फॉर द राइट एंड रॉन्ग फॉर द रॉन्ग, वन इन द बॉक्स। आपको देखो सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का निशान आपको लगाना है। ठीक है बेटे, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, थ्रो रैपर्स ऑन द स्ट्रीट। यहाँ पर आपको देखो पिक्चर भी दे रखी है। क्या आपको रैपर्स, जो भी आप बाहर की चीज़ें खाते हो उनके जो लिफाफे होते हैं, आपको सड़क पर फेंकने चाहिए? तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग, नहीं, हमें हमेशा डस्टबिन में डालने चाहिए, सड़क पर नहीं फेंकने चाहिए। सेकंड देखिए, ईट जंक फूड टू मच। क्या आपको बाहर का जंक फूड बहुत खाना चाहिए? तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग। अगर हम बाहर का जंक फूड खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। जंक फूड कैसे फूड होते हैं? जैसे बर्गर, छोले भटूरे, समोसे, ये सब क्या होता है? जंक फूड होते हैं। इसको खाने से हमारी हेल्थ खराब होती है। ठीक है, तो ईट जंक फूड टू मच, क्या आपको जंक फूड खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग। थर्ड देखिए बच्चों, टेकिंग अ बाथ इंस्टेड ऑफ अ शॉवर। क्या आपको नहाने के टाइम सिर्फ नहाना चाहिए? तो यहाँ पर क्या आएगा? राइट, आपको नहाने टाइम नहाना ही चाहिए, क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि आपको हमेशा शॉर्टर शॉवर का यूज़ करना चाहिए। अगर हम जैसे नहाते वक्त नहाएंगे नहीं, अगर हम खेल करते रहेंगे तो क्या होगा? पानी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमें पानी को वेस्ट करना चाहिए? नहीं, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें नहाते वक्त सिर्फ नहाना ही चाहिए, तो यहाँ पे राइट आएगा। फोर्थ है, डोनेट ओल्ड क्लोथ्स एंड टॉयज टू द पुअर। क्या आपको गरीबों को आपके पुराने कपड़े और जो खिलौने होते हैं वो डोनेट करने चाहिए, दान करने चाहिए? तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट, आपको आपके पुराने कपड़े जिसको आप पहनते नहीं हो, और जो पुराने खिलौने जिससे आप खेलते नहीं हो, वो आपको गरीबों को डोनेट कर देने चाहिए। ठीक है, जिससे और बच्चे खेल सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट। फिफ्थ देखिए बच्चों, स्पिट ऑन द स्ट्रीट। क्या आपको सड़क पर थूकना चाहिए? तो यहाँ पे आपको क्या आएगा बताओ? रॉन्ग, यहाँ में सड़क पर थूकना चाहिए? नहीं थूकना चाहिए। अगर हम सड़क पे थूकेंगे तो क्या होगा? हर तरफ गंदगी हो जाएगी, मक्खी होंगी। ठीक है, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कभी भी सड़क पर नहीं थूकना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है? रॉन्ग। सिक्स्थ देखिए, यूज़ द सोप्स एंड कॉस्मेटिक्स विच आर टेस्टेड ऑन एनिमल्स। आपको यूज़ करने वाले सोप्स एंड साबुन और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें एनिमल्स पर परीक्षण करके देखने चाहिए, मतलब कि टेस्ट करके देखने चाहिए, एनिमल को लगा लगा के देखने चाहिए। राइट या रॉन्ग? रॉन्ग, नहीं, हमें जो भी सोप्स होते हैं और या फिर कॉस्मेटिक्स के सामान होते हैं वो कभी भी एनिमल्स को नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ सोप्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारा केमिकल होता है जो कि एनिमल्स के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग। सेवन्थ देखिए, प्लक फ्लावर्स एंड लीव्स फ्रॉम ट्रीज। क्या आपको पेड़ों से पत्ते और फूल उखाड़ने चाहिए, तोड़ने चाहिए? नहीं, आपको यहाँ पे क्या लगाना है? रॉन्ग, हमें कभी भी पेड़ों से पत्ते या फिर फूल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उनको तोड़ने से क्या होगा? उनको तोड़ने से तो पेड़ पौधे क्या ख़राब लगेंगे। अगर किसी पेड़ पर पत्ते ना हो तो वो पेड़ कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? नहीं। और अगर आप कोई फूल तोड़ते भी हो तो आप उसको तोड़ने के बाद अपने पास रखते तो हो नहीं, क्योंकि हम फ्लावर जैसी चीज़ को ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो पेड़ पर पत्ते होते हैं और जो फूल होते हैं हमें उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। जब कभी आप पार्क जाओ तो वहाँ पर आप उन्हीं को देख के खुश हो सकते हो, क्योंकि वो देख के हमें इतने अच्छे लगते हैं, मगर उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए।
ठीक है बेटे। एट्थ देखिए बच्चों, थ्रो गार्बेज फ्रॉम योर बालकोनी ऑन द रोड, क्या आपको आपकी बालकोनी से कूड़ा नीचे रोड पर फेंकना चाहिए? यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग। आपको आपकी बालकोनी से नीचे रोड पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि कूड़ा फेंकने से क्या होगा, मक्खी मच्छर आएंगे, बदबू आएगी, और वो किसको आएगी? सबसे पहले आप ही को आएगी, क्योंकि आप अपने ऊपर से नीचे सड़क पर कूड़ा फेंक रहे हैं अपनी छत से, ठीक है। तो और इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट जो है, वातावरण जो है वो गंदा हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो हमें कभी भी बालकोनी से नीचे सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग। नाइन देखिए, यूज़ ओनली पेपर एंड जूट बैग्स, हमें हमेशा पेपर बैग्स और जूट बैग्स का ही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा राइट, क्योंकि देखो बेटे, जब हम प्लास्टिक की पॉलीथीन का यूज़ करते हैं, ठीक है, और जब हम वो फेंक देते हैं, तो अगर वो जानवर खा लेता है तो वो जानवर के लिए बहुत हार्मफुल होता है, और अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उसके अंदर से इतना गंदा धुआं निकलता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है, ठीक है। तो हमें हमेशा पेपर और जूट बैग्स का ही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट। टेंथ देखिए, कलेक्ट रेन वाटर फॉर यूजिंग इट लेटर, क्या आपको बारिश का पानी बाद के लिए कलेक्ट करके रखना चाहिए? तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट। हमें जो बारिश का पानी होता है वो बाद के लिए कलेक्ट करके रखना चाहिए। देखो, हम बाद में वो पानी किस में डाल सकते हैं? पौधों में भी डाल सकते हैं। जब बारिश हो रही है तब तो पौधों में पानी डल ही रहा है ऑटोमेटिकली, बट अगले दिन जब बारिश नहीं हुई तो वही बाल्टी का पानी आप पौधों में डाल सकते हो, ठीक है। या फिर बाल्टी में अगर बारिश आ रही है तो बाल्टी रख दो, बाल्टी भर जाएगी तो उससे और भी काम हो जाएंगे, कपड़े भी धो सकते हैं, ठीक है। तो हमें पानी हमेशा स्टोर करके रखना चाहिए ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे आएगा राइट। इलेवंथ देखिए, गिव योर ओल्ड बुक्स टू नीडी चिल्ड्रन, ज़रूरतमंद बच्चों को आपको, ठीक है, अपनी पुरानी बुकों को दे देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट। आपको आपकी पुरानी बुक्स नीडी चिल्ड्रन को, ज़रूरतमंद बच्चों को दे देनी चाहिए, ठीक है। जो खरीद नहीं सकते वो आपकी बुक्स में से पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, थ्रो ट्रैश इन द वाटर, क्या आपको पानी के अंदर कूड़ा डालना चाहिए? नहीं, यहाँ पे आएगा रॉन्ग। आपको पानी के अंदर कभी भी कूड़ा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब हम पानी के अंदर कूड़ा डालते हैं ना, तो फिर कूड़ा बाहर आता है तो कूड़ा सड़ जाता है और पानी भी ख़राब होता है। तो पानी का वेस्टेज नहीं करना है, पानी को सेव करके रखना है, ठीक है। पानी को हमेशा कैसे रखना है? सेव करके रखना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज जो हमें जीके में चैप्टर किया, वो किया चैप्टर 6। आपको ये आपका चैप्टर बुक में कंप्लीट करना है और लर्न भी करना है। और एक बात बच्चों, जब भी आपकी लाइव क्लास होती है तो सभी बच्चे लाइव क्लास को ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। आप छोटे हो, आपके डाउट्स ज़्यादा होते हैं, तो आप इस लाइव क्लास के थ्रू टीचर से अपने सारे डाउट्स क्लियर भी कर सकते हैं। थैंक यू।